हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं दोस्तों कैसे दोस्तों हम वीवो के फोन दोस्तों हम किसी भी ऐप का दोस्तों क्लियर कैच या दोस्तों क्लियर स्टोरेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्लियर कैच या क्लियर स्टोरेज करना है दोस्तों, आप उस ऐप का आप कैसे कर सकते हो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, मैं दोनों ही तरीके आपको बता दूंगा दोस्तों। जो भी आपको स्टेप सही लगे आप उससे क्लियर कैच या क्लियर डाटा कर सकते हो। पहले दोस्तों हम बात करेंगे वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्तों हम फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है दोस्तों, ऐप सेटिंग पे आपको ऐप सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सी ऑल ऐप मिल जाएंगे दोस्तों, आपको वो वाला ऐप सेलेक्ट करना है जिसका आप क्लियर कैच या क्लियर डाटा करना चाहते हो। एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पर कैलेंडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आप अपने कैलेंडर को डायरेक्ट ऑन कर सकते हो, फॉस्ट ऑफ कर सकते हो, डिसेबल करना डिसेबल कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप इसकी नोटिफिकेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। दोस्तों आपको थर्ड ऑप्शन देखेगा स्टोरेज एंड कैच, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप अपने कैलेंडर क्लियर कैच करना चाहते हो, यहाँ से क्लियर कैच कर सकते हो, क्लियर स्टोरेज करोगे तो ये ओके करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप जब भी कैलेंडर को यूज़ करोगे अपने फ़ोन में दोस्तों, आपको दोबारा से परमिशन देनी पड़ेगी, मतलब दोस्तों अलाउ करना पड़ेगा, फिर आप अपने कैलेंडर को यूज़ कर सकते हो। इसी दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, गॉट इट कर लेना है। दोस्तों हम क्लियर कैच और क्लियर स्टोरेज इसलिए करते हैं इसके दोस्तों, कभी आपके ऐप कितनी बार हैंग हो जाते हैं दोस्तों, काम नहीं कर रहे होते, आप काफ़ी टाइम लगता है इसको लोडिंग होने में दोस्तों, आप इसका क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो इसी तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों अब दोस्तों जो दूसरा स्टेप है वो कैसे करना है वो बता देता हूँ। अब दोस्तों एग्जाम्पल आप मान लो दोस्तों मेरे पे कैलकुलेटर ऐप है और ये मेरा चल नहीं रहा है सही से, और या दोस्तों मैं इसका क्लियर डाटा क्लियर स्टोरेज करना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं इस पर प्रेस करके रखूँगा और आपको ऐप इन्फो यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्ट आके यहाँ पे स्टोरेज कैश पे क्लिक करके इसका क्लियर डाटा और क्लियर स्टोरेज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। अब दोस्तों आप जब भी कैलकुलेटर को यूज़ करोगे दोस्तों, दोबारा से दोस्तों आपको यहाँ पे एग्री वगैरह कर लेना कंटिन्यू, तो आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा वापस से, फिर आप यूज़ कर सकते हो। इससे दोस्तों आपने किसी भी ऐप दोस्तों क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज कर सकते हो दोस्तों, आप सेटिंग में जाके कर सकते हो। ये दोस्तों आपको शॉर्टकट सेटिंग से करना है, तो आपको उस ऐप पे प्रेस कर लेना है, ऐप इन्फो कर लेना है और आप क्लियर कैच और क्लियर स्टोरेज कर सकते हो यहाँ पर आके। दोस्तों कितने बार आपको क्लियर स्टोरेज नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने वो ऐप यूज़ नहीं करा है तो आपको क्लियर कैच दिख रहा है, तो आप क्लियर कैच कर लो, या दोस्तों स्टोरेज है तो आप स्टोरेज पर क्लिक कर लो। तो इसी तरह दोस्तों अपने वीवो के दोस्तों हम क्लियर कैच क्लियर स्टोरेज कर सकते हैं किसी भी ऐप डाटा का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने वीवो फ़ोन को लेकर दोस्तों, आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बाय बाय दोस्तों।